Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, consider subscribing it. आप सबको टाइटल से क्लियर हो ही चुका होगा. हाँ, थोड़े से वियर्ड फैक्ट्स भी है इसमें, सो यू विल एंजॉय इट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द फर्स्ट फैक्ट इज माई रियल नेम. खुशी इज नॉट माई रियल नेम. माई रियल नेम इज अंजनी रदीज. I'll spell it A-N-J-A-N-I, not A-N-J-A-L-I. It's Anjani. My real name is Anjani Radhij. Many of you will be aware about this, but I know aap log mein se bahut the second fact is that I'm left-handed. I always use left hand for doing any work. And haan, I know left hand se khana bhi nahi khana chahiye. That is the worst part of this fact. I also eat food with the left hand. घर के बड़े मुझे हमेशा डांटते हैं, बट वो आदत छूटती नहीं है बहुत मुश्किल से. कभी प्रसाद हो तो आई ईट इट विद राइट हैंड, वरना अदरवाइज मेरा लेफ्ट हैंड ही चलता है हर काम के लिए. दी थर्ड फैक्ट इज अबाउट फेस्टिवल्स. सबके फेवरेट फेस्टिवल्स होते हैं और मैक्सिमम सबके होली दिवाली ऐसे ही होता है. मेरा फेवरेट फेस्टिवल ना होली है ना दिवाली, बट वो होली के आसपास आता है. इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, यू विल बी श्योरली अवेयर अबाउट दिस. And if you're not following me on Instagram, you should. My ID is khushi.underscore.deeds. So coming back on the facts, my favorite festival is Gangor. आप लोग बहुत कम लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते होंगे या फिर बहुत कम इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे इन्फॉर्मेशन. बट येस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इसकी हाईलाइट्स में भी जाके देख सकते हो. वहाँ पर आपको गणगौर से रिलेटेड बहुत कुछ देखने. तो फोर्थ फैक्ट इज आई लव बर्ड्स मोर देन एनिमल्स. ऑब्वियसली एनिमल भी क्यूट होते हैं, बट डॉग्स और ये सबसे ना मुझे बहुत डर लगता है. एंड बर्ड्स मुझे ऑब्वियसली ईगल पे मत जाना, ईगल मुझे इतना नहीं पसंद, बट लाइक पैरट्स, पैरट्स आर माई फेवरेट. आई रियली लव पैरट्स. हम लोग के घर पे अलाउड नहीं है पेट रखना, सो आई एम नॉट हैविंग एनी पेट बर्ड. बट हमारे घर पे पैरट्स बहुत मजब करते हैं. सी डी क्लिप ओवर हियर. वो लोग वो दाने अनाज खाने आते हैं. माई लव वॉचिंग देम. जब भी मूड ऑफ हो ना, मैं उनको बैठ के घूम सकती हूँ. प्लीज आई कैन स्टे विद फॉर एन आवर. आई नो ये फैक्ट तो आप सबको बहुत वियर्ड लगने वाला है. द फिक्स फैक्ट इज दैट आई हेट सॉफ्ट ड्रिंक्स. आई लिटरली हेट सॉफ्ट ड्रिंक्स. आई कांट ड्रिंक इवन अ सिप. बहुत कुछ भी हो जाना कि बहुत तीखा लग रहा है तो भी नहीं. आई डोंट प्रेफर हैविंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, भले वो फिर माजा भी हो. आई नो माजा इज नॉट काउंटेड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, बट आई हेट दैट टू. आई कांट. एंड या जब भी वी विजिट रेस्ट्रो, एवरी वन आई नो इन रेस्ट्रो विद डिनर और विद पिज्जाज, वी ऑल प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक्स, बट आई डोंट. आई लिटरली ऑब्वियसली इफ आई एम ईटिंग पिज्जा, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग विदर. एंड इफ आई एम हैविंग फूड, प्रॉपर फूड, देन आई वॉन्ट छास विदर. I prefer chas over soft. If we are talking about pizza, so I'll tell you one more fact about it. सब girls होती है जिनके ऐसे रहता है कि यार बस pizza खिलाने वाला चाहिए. And I'm like, I hate pizza. Actually, don't hate them, but I prefer पानी पूरी over pizza. I literally prefer पानी पूरी over pizza. पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है. पिज़्ज़ा तो ठीक है, चलो कुछ नहीं खाने का तो आए क्या नहीं, बट इफ पानी पूरी मिल जाना तो जन्नत मिल जाती है. So the sixth fact will be the same. I prefer pani puri over pizzas. Everyone preferred learning something new during lockdown, so I chose learning new languages. Even Modi said at least we should know 5 languages. So I watched Turkish dramas. I was interested in Turkish dramas, but before lockdown I used to see or watch dubbed Turkish drama. But during lockdown I started watching dramas that are available on YouTube with the subtitles. That becomes easy to learn new language. And मैं कोई भी drama देखता है तो अपने लिए बहुत easy हो जाता है. We can watch and we can read the subtitles. So whenever they say any word, we can catch easily. Yes. For example, in Turkish, hello is pronounced as merhaba. I know few words very well and हाँ, I am practicing over that. So, seventh fact was, I love learning new language. If you are close to me, you will be aware about this fact too. I prefer traditional wear or Indian wear more rather than Western wear. I know this sounds funny, आजकल कोई भी Indian wear जल्दी से prefer नहीं करता, but I really die to wear a ghagra. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है Indian wear. मेरे को कभी भी कोई पता नहीं कि तुझे रेडी होना है घाघरा वगैरह पहन के. I can
can do that anytime. I seriously love that. I know it sounds very funny, but yeah, that is my choice. I prefer it. And I'm not telling that I hate Western wear. I love that too. But over that, I prefer Indian wear. So this will be the 8th fact that I love traditional wear more than Western wear. 9th fact is I love painting. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोग को ये चीज़ तो पता ही होगी कि आई लव पेंटिंग. मेरा जब भी मूड ऑफ होता है आई प्रेफर डूइंग पेंटिंग. पेंटिंग करते करते मूड कैसे चेंज हो जाता है समझ भी नहीं आता और इतना ज़्यादा मज़ा आता है फिर वो पेंटिंग खत्म होने के बाद देखने में कोई हट नहीं है. आई सीरियसली प्रेफर पेंटिंग दी मोस्ट. मेरे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ भी है, अगर आप लोग ने अभी तक देखे नहीं है पेंटिंग पे तो आप लोग देख सकते हो, मेरे चैनल को विजिट जरूर. The last but not the least fact is, अगर आप लोग मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो ये फैक्ट आप लोग सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो आई एम अ हाईली सेंसिटिव पर्सन. मेरे जल्दी से रोना आ जाता है, बहुत जल्दी से. आई कैन कंट्रोल माई इमोशन दो आई एम वर्किंग ऑन इट अलॉट. आजकल तो फिर भी मैं बहुत कम रोती हूँ, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती थी. अगर आप लोग मेरे क्लोज फ्रेंड हो तो यू आर श्योरली अवेयर अबाउट दिस. बट सीरियसली आजकल मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ. इस पर मजाक मत बनाना कमेंट में, ठीक है. सबका वीक पॉइंट होता है, मेरा यही है. क्या है, स्टार्ट क्राइंग ईजीली. कोई छोटी बात भी होती थी, कोई फ्रेंड से नोकझोंक हो जाती थी, उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, बट आई स्टार्ट क्राइंग. सो दिस शोज आई एम अ हाईली सेंसिटिव पर्सन. I hope you all enjoyed it. Do not forget to like, share and subscribe to my channel and do share this video with your friends and family. Bye bye everyone. Take care.